हेलो फ्रेंड्स, मनिका कुकिंग स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टेशन पे बनने वाली है कुरकुरी भिंडी। भिंडी की सब्जी तो सभी खाते हैं ना, पर भिंडी को स्नैक के तौर पे खाना बहुत ही मजेदार और बहुत ही यूनिक है। और अगर आपको ऐसे यूनिक नई रेसिपीज देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आपको मेरी रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते। तो कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए मैंने ली है बारीकी सी कटी हुई भिंडी। मैंने देखी है भिंडी को किस तरीके से पतला पतला और लंबा लंबा जूलियंस के साइज में काटा है। मैं आपको बताऊंगी कि इसे काटना कैसे है। फिर मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन हमें ज़्यादा नहीं लगेगा, बस थोड़ा ही। और मसालों में मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, पिसी हुई जीरा और नमक। आप चाहे तो कोई और भी मसाले ऐड कर सकते हैं आपके पसंद के। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि भिंडी को हमें काटना कैसे है। उसके लिए हम भिंडी का जो यूजलेस पार्ट है, ऊपर का और नीचे का, उसे काटकर अलग कर देंगे और फिर भिंडी को अब बीच से 2 पार्ट में काट लेंगे। अब एक पार्ट पे काम करेंगे तो उसे भी आधा आधा बीच में से इस तरीके से काट लेंगे। और फिर जो पार्ट अगर मोटा है तो उसको बीच से इस तरीके से बस स्लिट कीजिए और बारीक बारीक लंबे लंबे पीसेस में उन्हें काट लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आपकी जो भिंडी है वो बहुत अच्छे से जूलियंस में कट जाएगी। अगर पीसेस थोड़े से मोटे भी हुए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप उन्हें तलेंगे ना तो वो पतले हो ही जाएंगे। तो इस तरीके से सारी भिंडी हम काट कर रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, बराबर पतले पतले और लंबे लंबे कटे हैं। आप चाहे तो उन्हें सर्कल शेप में भी काट सकते हैं, जैसे हम जनरली सब्जी के लिए काटते हैं, बट लंबे वाले इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपकी भिंडी छोटी हो तो उसे 2 पार्ट में काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़्यादा मोटी हो तो आप उसे इस तरीके से 3 पार्ट में काट लीजिए, ताकि क्या है कि हमारे जो भिंडी है वो बारीकी से कट जाए। तो हमारी भिंडी बारीक बारीक कट कर रेडी है और एक जैसे साइज में कटी है। अब हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे बेसन। मैं करीब 2 चम्मच बेसन डालने वाली हूँ। हमें बेसन बहुत कम लगेगा, सिर्फ भिंडी को अच्छे से कोट हो जाना चाहिए इतना ही बेसन लगेगा, ताकि भिंडी में जलने वाला स्वाद या स्मेल ना आए। बस अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसे 10 मिनट रेस्ट करवाएंगे ना तो इसमें मॉइस्चर ऐड हो जाएगा, तो अगर ऐसे हुआ तो आप उसमें बेसन और ऐड कर दीजिएगा। जैसे हम पहली बैच तल लेंगे और दूसरे बैच में उसे रेस्ट करवाना होगा तो तब आप बेसन और थोड़ा ऐड कर लीजिएगा, यानी वो अच्छे से बन जाएंगे। इसका मॉइस्चर पूरा ख़त्म होना चाहिए, हमें उतना बेसन इसमें ऐड करना है। अगर कम लगे तो और ऐड कर दीजिएगा। अभी हम इसमें मसाले वगैरह ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो तेल में मसाले जल जाएंगे। हम मसाले लास्ट में ऐड करेंगे। तो मैं पहले थोड़ा सा तेल गरम करने रख देती हूँ। तेल गरम करने वक्त गैस की फ्लेम मीडियम से हाई के बीच होनी चाहिए। जब तक तेल गरम हो रहा है हम मसाला बना लेंगे। मसाला बनाने के लिए हमें कुछ नहीं, बस हमारे सारे मसाले ऐड करके मिक्स करने हैं। तो मैं सबसे पहले नमक डालूंगी, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर और चाट मसाला डाल दूंगी। और इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिलाएंगे। आप चाहे तो आपके पसंदीदा और भी मसाले इसमें डाल सकते हैं। अब तेल भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम गैस की फ्लेम एकदम लो कर देंगे और हमारी जो भिंडी है उन्हें तल लेंगे। भिंडी को तलते वक्त जब आप डालेंगे तो थोड़े सेपरेट कर डाल दीजिएगा, ताकि वो खुली खुली होकर तली जाए और खाने में और भी मज़ा आए। अगर डालते वक्त वो थोड़ी स्टिकी है और खुली खुली नहीं गिर रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे जब आप तुरंत डालकर तुरंत ही इसमें स्पैचुला या कोई चम्मच घुमा लीजिए, उससे क्या होगा कि वो खुले खुले हो जाएंगे। मैंने डालते वक्त ही इसमें मैं अलग अलग करके डाल रही हूँ, इसलिए ये ऐसे ही खुले बन रहे हैं। इन्हें हमें लो फ्लेम पर ही तलना होगा, कहीं पर भी हम फ्लेम हाई नहीं करेंगे, तभी ये एकदम क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनेंगे। देखिए, 2 मिनट तक तलने के बाद हमारी भिंडी कुछ ऐसी होगी। इसे हमें और करीब 2 से 3 मिनट तक तलना होगा।
मिनट तक तलने के बाद हमारी कुरकुरी भिंडी तलकर बिल्कुल रेडी है। हमें इसी टाइम पे इसे निकालना होगा। मुझे करीब 5 मिनट लगे इसे तलने के लिए। बिल्कुल इससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए और इससे कम भी नहीं चाहिए। परफेक्ट बनेगी ये। और अब हम हमारी दूसरी बैच भी तलकर रेडी कर लेंगे। अभी इस टाइम पे फ्लेम आपकी लो भी होगी तो भी ऑयल बहुत हॉट होगा, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। जब तक हमारी ये वाली बैच तल जाती है तब तक हम हमारी पहली बैच में मसाले मिलाकर रेडी कर देंगे। तो देखिए हमारी भिंडी तलकर एकदम क्रिस्पी और बहुत अच्छी रेडी हुई है। इसमें हम पहले मसाले डाल देंगे। आपको जितना पसंद है उतना डाल दीजिए और फिर इसे हम मिक्स कर देंगे। आपको आवाज़ भी आ रहा होगा, समझ रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे बने हैं। मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छा स्नैक है कंज्यूम करने के लिए। बहुत अच्छे बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत क्रिस्पी बनते हैं और आप इसे 3 से 4 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं और एयर टाइट कंटेनर में 8 दिन तक ये स्टोर हो जाएंगे। हमारी कुरकुरी भिंडी बनकर रेडी है। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर टोमेटो सॉस के साथ भी। प्याज, हरी मिर्च, टोमेटो सॉस के साथ इसका स्वाद दुगना हो जाता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू। लाइक करना मत भूलिएगा।